आज समगीत टाइटल लेकर तो आप लोग को पता गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं भाई आज है सैटरडे और हर सैटरडे को ना मैं अपनी फेवरेट तरीन जो मेरी उपतन की रेमेडी है ना एक अदर वो मैं ज़रूर बना के ट्राई करती हूँ और आज तक सैटरडे और आज हमसे ट्राई भी करना था तो मैंने सोचा कि आज वैसे तो आप लोगों ने मार्केट वाले उपतन बहुत सारे ट्राई किए होंगे और मार्केट के में जो टैनिंग के लिए जितने भी स्क्रब्स और बाकी वगैरह चीज़ें मिलती हैं वो भी आपने कभी ना कभी ट्राई की ही होंगी लेके आज मैं आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों के साथ अपनी एयर डी आई वाई जो मेरी मोस्ट फेवरेट तरीन और पर्सनल मेरी अच्छी वाली जो रेमेडी है ना उप तन की मैं वो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों के सामने बना करके मैं उसके साथ तैयार करती हूँ हफ्ते में एक दिन जो है ना वो सैटरडे या संडे वाले दिन मैं इसको लाजमी यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस पे पूरा हफ्ता जो है ना वो स्किन चमकती रहती है अच्छा उतरना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है मतलब ये आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से ब्राइट करता है बहुत अच्छी सी ग्लो देता है आपके हेन जो है ना वो चमकती रहती है एनी टाइम अगर आप हफ्ते में या दो हफ़्ते में एक दफ़ा भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं ना तो आपकी स्किन चमकती रहती है तो यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना उपन कैसे तैयार करती हूँ ये पर्सनली जो है ना पूरी मेरी रेसिपी है और मुझे बहुत 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 पसंद है मैं पहले वन टेबल स्पून घर के बेसन का ओके ये देखें मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून जो है ना वो घर के बेसन का ले लिया है अब इसके बाद इसमें हमें डालना है अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने लिया है वन टेबल स्पून भर के बेसन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इतनी आधा चम्मच जो है वो हल्दी डाल रही हूँ आप चाहे तो वन टेबल स्पून भी डाल सकते हैं हल्दी का मिलाने के बाद आप इसके अंदर मैं डाल दूँगी हमारा फेवरेट जो कि हमारी हर रेमेडी में होता है वो है हमारा शहद तो अब इसके अंदर जाने वाला है शहद ओके रोज़ वाटर में डाल रही हूँ एक चम्मच और आप इन सारी चीज़ों की ना क्वान्टिट्टी बढ़ा लें एक एक चम्मच कर लें सारी चीज़ें और फिर आप अपने हाथ पैरों पर सब पर अप्लाई कर सकते हैं आराम से अब लास्ट में जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ दूध ओके देन लास्ट में मैंने इसमें इस डाल दिया दूध और ये रखने के चेक करें अब मैं ये सारी चीज़ें उठाएँ आपस में मिला लूँगी अच्छे से और एक हमारा पफतान जो है वो मज़ेदार सा वो रेडी हो गया बस फिर आप इसको अच्छे से जो है वो मिला लेना है और दूध आपने इतना डालना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो गाढ़ा गाड़ा सा हो ताकि बहुत अच्छे से थिक सही का आपने बैटर बनाया है ताकि ये अच्छे से जो है ना आपके स्क्रीन पर अप्लाई हो जाए ओके यहाँ पर ना हमारा उत्ता बिल्कुल रेडी है अप्लाई होने के लिए बहुत अच्छी सी कंसस्टेंसी के साथ जो है ना वो मैंने इसको रेडी कर और सेम हमें जो है ना वो यही वाली चीज़ चाहिए थी जो हमारी डेवरी हो चुकी है और हमारी इसको अप्लाई करने की मैं इसमें से जो है ना वो चम्मच को निकाल देती हूँ पहले तो अच्छा मैं ना इसको हाथ के साथ अप्लाई करने वाली हूँ आप चाहे तो किसी भी चीज़ से कर सकते हैं लेकिन इसकी जो आ, सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है ना वो उसका हाथ से अप्लाई करनी हुई क्योंकि ये, ये बहुत अच्छे से और ईज़ी अप्लाई होगा अच्छे से ना आप ओवरऑल पूरे फेस पर उसको अप्लाई करना है लगाते वक्त ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो, हो वो मैसूर होता है तो आपने जो है ना वो कोशिश कर कोई ना पुरानी सी शर्ट पहन के बैठे हैं अच्छा देखे आपने ओवरऑल ना पूरे फेस पे इस तरह से जो है ना इस पूरे ऊपन को अप्लाई कर लेना है और सब फेस पे नहीं आप अपनी नेक पे गले पे हाथ वगैरह पे हर जनरब आप अप्लाई कर सकते हैं ना आपको टेनिंग हो रही है और इसको अप्लाई करने के बाद हम दस पट ये छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ना अच्छे से क्या बोलता है उसको थोड़ा सा ड्राई हो जाए और जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको वॉश कर लेंगे और पाँच सात मिनट तक मुझे हो चुके हैं और ये जो है ना वो मुझे ड्राई हो चुका है ये देखे जब मैं इसको हाथ लगा रही हूँ ना तो मेरे हाथ के ऊपर निक नहीं आ रहा है इसका मतलब ये बहुत अच्छे से हमारा ड्राई हो चुका है और अब ना सोला भी नहीं जा रहा है थोड़ा सा ना हो रहा है तो अब मैं ज़्यादा रही हूँ इसको वॉश करने और फिर वॉश करके आती हूँ और फिर रिजल्ट दिखाती हूँ आपको ओके तो फेस मैंने वॉश करी है और अब आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा कमान के और कितनी ज़्यादा मज़ेदार रिज़ल्ट है स्किन चेक करें आप फोर एंड जो है ना वो ओवर स्किन आपकी ग्लो करती है और मुझे तो इसके रिजल्ट पता है कि बहुत अमेजिंग होते हैं और इसी तरह से ना हमेशा जब जब मैं इस उपन को यूज़ करती हूँ ना इसी तरह के मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं हमेशा बहुत स्किन जो है वो और ब्राइट हो जाती है ग्लो करने लगती है और इतनी प्यारी सी एक ब्राइटनिंग आ जाती है ना आपके फेस पे ओके okay, तो आई होप आप लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी आज की रैम पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो तो को लाइक कर दीजिएगा चैनल तो न्यू है तो ज़्यादा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा तो आप देखिएगा मैं देखें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लेंगे अल्लाह बाय